हेलो एवरीवन, आई एम जीशान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की जो टॉपिक है वो रिलेटेड टू सीएफएम है। बहुत से ऐसे न्यू जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ काम करता हूँ एज अ सीएफएम में या फिर किसी कंपनी में, क्योंकि ऐसे ही ऑलरेडी मैंने एक दो वीडियोस मैंने अपलोड कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। बट जो नए मुझसे जुड़ते हैं वो मुझसे यही सवाल करते हैं कि आप कहाँ काम करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप वो सारी चीज़ें जानेंगे जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैं सीखा है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ और एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और एक बात और, अगर अभी अब तक मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैंने अपलोड करो सबसे पहले आप देखें। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे जानना चाहते हैं कि आप कहाँ काम करते हैं, जैसे सीएफएम में या फिर किसी कंपनी में। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एज अ सीएफएम में काम करता हूँ और मुझे 2.5 ईयर्स हो गए काम करते हुए। और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि आप इतने साल से वहीं पर काम करते हैं, क्यों आपने कोई कंपनी ज्वाइन नहीं किया। तो आज मैं फर्स्ट टाइम ये बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी कंपनी में कहीं से सीख रहे हैं या फिर किसी कंपनी में जाना चाहते हैं, किस लिए जाना चाहते हैं, और आप लोग एक ही पॉइंट कहेंगे, अच्छी अर्निंग के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर वहीं पे जहां पे आप काम कर रहे हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा डाइवर्ट करके बताना चाहता हूं, अगर वहीं पे आपको अच्छी मिली अर्निंग करने की फैसिलिटी, तो आप कहां जाएंगे? जाहिर सी बात है, वही काम करेंगे, क्योंकि सीएफएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कई तरीके के काम करने को मिलेंगे। अगर आपने किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपको बस एक ही डिपार्टमेंट संभालना होता है, एंड अगर आपको अच्छी मिल रही है इनकम, आपसे वहाँ से अर्न कर रहे हैं अच्छी इनकम, तो दी बेस्ट, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप लर्नर हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो सीएफएम इज़ द बेस्ट नॉलेज इन्हेंस करने का एक ज़रिया है। प्रैक्टिकल वे में एंड थ्योरी भी आपको बहुत ही अच्छी से समझ में आएगी, अगर आपका जो सीनियर है वो आपसे अच्छा बॉन्डिंग रखता है। तो एक बात तो हो गई कि मैं सीएफएम क्यों नहीं छोड़ रहा हूँ, क्यों मैं किसी कंपनी में जॉब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यही रीज़न है। जब आपको वहाँ से अर्निंग अच्छी होती है तो आपको ज़रूरत नहीं है कहीं और जाने की, एंड और मेरी जो नॉलेज है वो अप टू डेट होता रहता है। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि वहाँ जाके आपको सीखना क्या है, क्या सीखना चाहिए कि एक अच्छा अकाउंटेंट बन सके। अगर आप फ्रेशर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात, आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी, मेहनत मीन्स प्रैक्टिकल करनी होगी, एंड फिर उसके बाद थ्योरी भी आपको समझना होगा कि ये क्यों होता है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जब जॉब करता था सीएफएम में, जब मैं एज़ अ फ्रेशर था, तो मैं बहुत हार्ड वर्कर था। ये अब मैं अपने मुंह से तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, ये रियली है कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग करता था। यकीन नहीं मानोगे, मैं 12-12 घंटे बैठ के काम करता था। तो उस टाइम आई थिंक मैं इनकम टैक्स पीरियड में मैं गया था, इनकम टैक्स का चल रहा था, सब वर्किंग हो रहा था, तो उस वर्किंग पे मैं एज अ फ्रेशर बैठ गया था, क्योंकि वहाँ पे एक्सेल मैनेजमेंट करना था कि किसका क्या है, क्या पेंडिंग है इनकम टैक्स का, वो सारी चीज़ें हैं, पैन कार्ड का, पासवर्ड का, लॉगिन का, ये सब सारी चीज़ें संभालता था मैं फर्स्ट टाइम जब गया था। क्या किया फिर हमने, धीरे धीरे लोअर क्लास से अपर क्लास तक गया। लोअर क्लास अपर क्लास क्या मतलब है, लोअर क्लास से मीन्स अकाउंटिंग पहले कंसेप्ट मैंने सीखा, एंड देन टैक्सेशन का कंसेप्ट सीखा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग फ्रेशर हैं जो सोचते हैं कि क्या मैं करूँ, दोनों को एक मिक्स कर लेते हैं, अकाउंटिंग भी टैक्सेशन भी। तो मेरी एक्सपीरियंस पहले क्या कहती है, पहले आप अकाउंटिंग की कंसेप्ट को समझो, मींस अकाउंटिंग का क्या कंसेप्ट है, आपको सेल है, परचेज है, ये सारी वाउचर की एंट्रीज आपको आनी चाहिए प्रॉपर, एंड उसके बाद जीएसटी का एडजस्टमेंट आनी चाहिए, उसके बाद आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट आनी चाहिए, फिर उसके बाद जो भी आपका ड्यू डेट है, पेबल रिसीवेबल, वो सब चीज़ें को मैनेज करना आना चाहिए, एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें आपको समझना आना चाहिए, एंड उसको प्रिपेयर करना आना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ टैली पे समझते हैं, पीनल को कैसे बनाएंगे, ये कैसे करेंगे, बट अगर उन्हें एक्सेल पे बनाना दे दिया जाए कि आप एक्सेल पे बना सकते हैं इसको, तो वो नहीं बना पाते। इसका रीज़न ये है कि हमने सिर्फ और सिर्फ
टैली पे प्रैक्टिकल किया है। तो ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा काम को सीखिए कि आपको टैली पे नहीं किसी और सॉफ्टवेयर पे काम आपको दे दिया जाए तो आप आसानी से वो चीज़ कर सके। और ये हो गई मेरी अकाउंटिंग की बात, मैंने अकाउंटिंग कैसे सीखा। यू नो अकाउंटिंग सीखने के बाद फिर मैं धीरे धीरे टैक्सेशन में आया। टैक्सेशन में मैंने GST में यू नो अपना पहला कदम रखा एंड उसको धीरे धीरे समझते समझते आज मैं GST के सारे क्लाइंट्स को, जो भी मेरे अंडर क्लाइंट्स हैं, मैंने आपसे पहले भी बोला था 2021 मेरे क्लाइंट्स हैं जो मैं हैंडल करता हूँ GST के, और अकाउंटिंग का मेरे से पीछे छूट गया। अब अकाउंटिंग का वर्क कम एंड GST पे मैं वर्क बहुत ही ज़्यादा करता हूँ क्योंकि वही मेरे क्लाइंट हैं जो मैं मैनेज करता हूँ। और GST को समझने के लिए यू नो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, से कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे फाइल किया जाता है टैली के साथ, या फिर सैप हो, या फिर आपका बिजी सॉफ्टवेयर इसके साथ कैसे होता है। बट मैं ज़्यादातर मैं आप लोग को रिकमेंड करना चाहता हूँ कि मैंने जो सिर्फ टैली यूज़ किया है एंड टैली पे ही काम मैं कर रहा हूँ, ना मैं बिजी सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा वर्क नहीं किया हूँ मैं, और ना ही सैप पे मैंने ज़्यादा वर्क किया, क्योंकि मोस्टली जो मेरे काम होते हैं वो टैली पे होते हैं। तो टैली से जैसन बनाकर अपलोड करना, या फिर ऑफलाइन टूल से GST के पोर्टल पे ऑफलाइन टूल आप डाउनलोड कर ले, 3B या फिर 1 का, उससे आप कर सकते हैं, क्योंकि दो वे आपको आना बहुत ही ज़रूरी नहीं है कि जहाँ भी आप वर्क करें वहाँ पे टैली भी हो। ये भी नहीं हो सकता कि वहाँ पर सैप भी हो सकता है, बिजी भी हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे डेटा आपको मैनेज करने हो जो एक्सेल पे मैनेज करने होते हैं, और एक्सेल से फिर आपको GST फाइल करने होते हैं। और फिर वो कैसे करेंगे, आप तो मान लो टैली पे वर्क किए, टैली से आप जेसन फाइल अपलोड करके एंड देन फाइनल फाइल कर दिए GST, बट ऑफलाइन से कैसे करेंगे, तो ऑफलाइन को भी आपको समझना होगा कि ऑफलाइन से हम कैसे फाइल कर सकते हैं। क्योंकि ऑफलाइन में क्या रहता है कि आप पोर्टल से डाउनलोड करते हैं, फिर वो जो भी ऑप्शन रहता है, जो भी कॉलम रहता है, उस कॉलम में आपको वो डेटा फिट करना रहता है। मीन्स अगर कैश का डेटा, अगर कैश का कॉलम है तो कैश में आप वो डेटा फिट करेंगे कि महाराष्ट्र हुआ, कोलकाता हुआ, ये सारी चीज़ें आपको डालनी होती है एंड देन उसको फाइल करना होता है। एंड ये सारी चीज़ें मैंने सीखी GST पे, जैसा कि मैं अभी जो प्रेजेंट टाइम मेरा जो एक्सपीरियंस, जो मेरी वर्किंग है वो GST पे है, और जो मेरे जूनियर है, जो जूनियर स्टाफ आते हैं यू नो जो काम करने, तो उनको थोड़ा सा अकाउंटिंग के बारे में यू नो समझाता रहता हूँ, ताकि अपनी भी जो माइंड है वो स्टेबल रहे। यू नो अगर आप उस चीज़ पे ज़्यादा ग्रिप नहीं रखेंगे जिस चीज़ को आपने कर ली है, तो मे बी आप शायद उसको भूल जाए। तो इसलिए उसको ताज़ा करने, फ्रेश करने के लिए वो सारी चीज़ें मैं रिपीट करता रहता हूँ, लोगों को बताता रहता हूँ, जो मेरे जूनियर हैं उनको मैं अब सिखाता रहता हूँ कि ये ऐसा होगा वैसा, क्योंकि वो चीज़ें अगर आप सिखाएंगे तो जाहिर सी बात है आपकी वो चीज़ें आपका हमेशा फ्रेश रहेगा। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें और हिट लाइक द बटन फॉर मोटिवेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।